हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन अवकलन समीकरण शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी छात्र देखें, इसमें आपको पता है कि निश्चित एक लॉन्ग क्वेश्चन और दो कम से कम ऑब्जेक्टिव इसमें से आते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको जरूर ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। हमको यहाँ पर अवकलन समीकरण क्या था उसको समझाने की कोशिश की है कि एक यदि dy / dx दिया हुआ है और यदि हम इसमें y एक फंक्शन ऑफ x है, तो हम ये चार प्रकार के समीकरण की बात करते हैं। यहां पर देखिए आप, एक दो तीन चार प्रकार समीकरण है। तो पहला दूसरा तीसरा समीकरण जो है उसमें स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर क्या होता है, स्वतंत्र चर x और परतंत्र चर यानी किस पर निर्भर है वो y, तो x होता है और ये y होता है, ठीक है। तो यह आपको, ये आपको एक स्वतंत्र चर और परतंत्र चर के ये समीकरण है। लेकिन जो चौथा समीकरण है इसमें हमने अवकलन का उपयोग किया है कि इसमें y के x के साथ अवकलन किया है, तो यह अवकलन समीकरण होगा, अवकलन समीकरण कहलाएगा। इसमें हमने अवकलन का उपयोग नहीं किया है 1, 2, 3 में, इसलिए अवकलन समीकरण नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि अवकलन समीकरण की कोटि। तो हम यहां देखते हैं कि अवकलन समीकरण की कोटि क्या होती है, कि स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि द्वारा परिभाषित होती है। तो इसमें समीकरण 6 की कोटि कितनी है, इसमें कितना कितने बार अवकलन किया गया, एक बार, तो इसकी कोटि कितनी है, एक। इस समीकरण में दो बार अवकलन किया गया है इसलिए इसकी कोटि कितनी होगी, 2। और इसमें आपको तीन बार अवकलन दिख रहा है, यहां पर कितने बार अवकलन दिख रहा है, 3 बार, तो इसकी कोटि है आपकी 3। क्लियर। अब हम आते हैं अवकलन समीकरण की घात। तो हम यहां देखते हैं कि अवकलन का इसमें हमको क्या होना चाहिए, जो अवकलज यूज किए गए वो बहुपद समीकरण होना चाहिए, यहां ध्यान रखिए। तो हम यहां देखते हैं कि समीकरण 9 में वाइडस घात 2 और घात 3 और घात 1 के जो अवकलज दिए हैं, मतलब एक कोटि और दो कोटि और तीन कोटि के जो अवकलज किए गए वो सब बहुपद समीकरण है, ठीक है। 10 में भी हम देखते हैं कि यहां पर y का बहुपद समीकरण नहीं दिख रहा है, हमको बहुपद नहीं दिख रहा है। और 11 में भी यहां पर dy / dx साइन यूज किया गया है, तो इसीलिए आपको 9 और 10 में घात जो होगी परिभाषित नहीं है। और यहां पर हम देखते हैं कि जो उच्चतम घात होती है, उच्चतम कोटि का जो होता है इसकी घात देखी जाती है, तो इसमें हम देखते हैं कि यहां पर आपको क्या मिलेगा, घात 1। इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, कितने बार अवकलन किया गया, 3 बार, और उसके ऊपर पावर कितनी है, 1। यहां पर घात कितनी हो जाएगी, 1। उदाहरण नंबर 1, इसमें इसकी अधिकतम कोटि कितना है, dy / dx, इसलिए इसकी कोटि 1 है समीकरण 1 में।
और इसमें dy अपॉन ds की अधिकतम घात कितनी है, एक है, इसलिए इसकी घात भी एक है। दूसरे में देखेंगे कि इसकी दो बार डिफरेंशियल किया गया है, इसमें यूज किया गया है, इसलिए इसकी कोटि दो होगी। और इस जो अधिकतम कोटि वाला है उसकी घात कितनी है, एक है, तो यहां पर इसमें कोटि दो और घात एक। क्लियर। और पहले वाले समीकरण में कोटि एक घात एक, तीसरे वाले समीकरण में हम देखते हैं कि कोटि तीन है, लेकिन यहां पर यह अवकलज जो है वो बहुपद रूप में नहीं है। आप देखिए e की पावर क्या यूज किया, वाई डैश किया, इसलिए यहां पर घात जो है आपकी परिभाषित नहीं है, तीसरा हो गया। क्लियर। अब हम प्रश्नावली 9.1 में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हम देखते हैं कोटि कहां चला गया, हां कोटि, कोटि आपको इसमें अधिकतम चार बार अवकलन का यूज किया गया है, इसलिए यहां पर कोटि कितनी होगी, चार, और घात इसकी चूंकि इसमें अवकलज का बहुपद के रूप में नहीं दिया है, यहां साइन का यूज किया गया है, इसलिए घात जो है यहां पर परिभाषित नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमको कोटि एक घात एक, तीसरा देखते हैं, हमको यहां पर कोटि आपको दिखेगी दो और घात एक। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथे में कोटि आपको दिखेगी दो और घात यहां पर, यहां देखिए कि यह बहुपद के फॉर्म में नहीं है, इसीलिए यहां पर घात जो है आपकी परिभाषित नहीं है। पांचवा देखिए, पांचवे में कोटि दो और घात जो है आपकी परिभाषित, यहां पर आपका वाई का कोई भी इसमें सभी बहुपद फॉर्म में है, तो यहां पर घात जो है इसकी आएगी एक। और छठवा देखते हैं, इसमें आपको कोटि आपको तीन दिख रही है और घात आपको यहां पर कितना दिख रही है, जो अधिकतम तीन के ऊपर यहां पर दो दिख रहा है, तो यहां पर घात जो है आपकी दो दिख रही है। क्लियर। तो इसी तरह से आपको सभी की कोटि और घात देखना है। अब इसमें आपको ये इसमें घात पहचानना है, तो हम यहां देखते हैं कि dy / ds बहुपद के फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसकी घात परिभाषित नहीं होगी। इसका सही आंसर क्या होगा, d। अवकलन समीकरण की कोटि देखना है, तो इसमें कितने बार अवकलन यूज किया गया है, दो बार, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, दो, ये आंसर हो गया।